हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैन बी डन में। और आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं आर्म्स एंड द मैन की, जिसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ये एक कॉमेडी प्ले है, इसमें कॉमेडी है, इसमें ह्यूमर है, इसमें लव है और इसमें बहुत सारी अदला बदली है। तो क्या क्या अदला बदली होता है ये देखेंगे अपने प्ले के दौरान। इस प्ले में तीन एक्ट हैं। पहला एक्ट शुरू होता है एक लड़की के बेडरूम से, जिसका नाम है रैना पेटकॉफ, बुल्गारिया की रहने वाली है। समय है 1885 और इस समय सर्बिया और बुल्गारिया के बीच वॉर चल रहा है। रैना के पिता मेजर पॉल पेटकॉफ बुल्गारियन आर्मी में मेजर हैं और इस समय वो युद्ध में गए हुए हैं। तो ये अपने कमरे में किताब पढ़ रही है, तो इसकी माँ जो है वो कैथरीन नाम है उनका, वो आके बताती हैं कि आज एक खुशखबरी आई है कि बैटल ऑफ स्लिमिट्ज़ा में बुल्गारियन कैवलरी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो उस कैवलरी का जो नायक है, जो मेन बंदा है, उसका नाम है सर्जियस और वो कोई और नहीं, रैना का होने वाला हस्बैंड है। तो रैना बहुत प्राउड फील करती है और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि शायद उसके होने वाले हस्बैंड जो कि एक वॉर हीरो है वो उस जितनी ब्रेव नहीं है। ये बातें कर ही रही होती हैं तभी तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है लूका। और लूका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का। लूका सर्वेंट है, लोअर क्लास से है और लूका बहुत एम्बिशियस है। लूका लोअर क्लास से अपर क्लास में जाना चाहती है। लूका के पास इसके लिए दो स्ट्रेंथ है, पहली तो ये कि वो बला की खूबसूरत है और दूसरी ये कि सिर्फ वो खूबसूरत नहीं, उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो लूका आके बताती है कि अनाउंसमेंट हुआ है कि सब लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लें क्योंकि कुछ सर्बियन सैनिक जो हैं वो हमारे इलाके में घुस आए। तो रैना उससे कहती है कि ठीक है तुम जाओ, ये लोग वहां से चले जाते हैं। रैना अपने कमरे में अकेली है। कुछ देर बाद एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है और जब तक रैना पलट के देखे तो उसके पीछे एक सर्बियन सैनिक खड़ा होता है जिसके हाथ में बंदूक है और बंदूक उसने उसके ऊपर तान रखी है और उसे बोलता है कि मुझे तुम छुपा दो। अब ये डरती तो नहीं है किसी, परंतु ये डिसाइड नहीं कर पाती लड़की कैसी है रैना। रैना एक उदार काइंड जनरस लड़की है, एक अच्छी लड़की है। इतने में वापस से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और लूका बताती है कि किसी ने ड्रेन पाइप से चढ़ते हुए हमारे घर में देखा है, तो सर हमारे जो बुल्गारिया के सैनिक हैं वो तलाशी लेने आए हैं। तो क्योंकि एक उदार लड़की है, जनरल से हेल्पफुल है, तो ये उसको छुपाने का निर्णय लेती है। इससे पहले ही वो सैनिक बोल देता है कि अगर मैं मतलब मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर मैं मरने से पहले कई बुल्गारियन सैनिकों को मार के मरूंगा। तो ये हड़बड़ाकर निर्णय लेती है कि मैं इसे बेहतर है कि छुपाई देती हूँ, और उसे छुपा देती है। और छुपाने के बाद दरवाज़ा खुलती है तो सैनिक तलाशी लेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। परंतु लूका का दिमाग बहुत तेज़ है, उसकी नज़र ही बहुत तेज़ है। लूका देख लेती है कि बेड पर कोई बंदूक पड़ी हुई है, वो समझ जाती है कि रैना उससे कुछ छुपा रही है, परंतु वो कुछ नहीं बोलती। और तलाशी लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वहाँ पे माहौल सेफ हो जाता है तो उसे वो बाहर निकालती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो बातें करते करते जैसे ही ये बैठती है बेड पर, तो एकदम से खलबराहट में गन के ऊपर बैठ जाती है। तो गन ओपन हो जाती है, इसे मालूम पड़ता है कि उसमें बुलेट्स तो है ही नहीं। तो उसे कहती है कि इसमें तो कार्ट्रिजेज ही नहीं है, यानी कि बुलेट्स नहीं है। तो बोलता है कि मैं चॉकलेट बुलेट रखता हूँ, क्योंकि एक भूखे सैनिक को युद्ध के मैदान में चॉकलेट से ज़्यादा क्या काम आएगा, उससे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत होगी। तो उसकी बातें जो है उसे बड़ी मज़ेदार लगती हैं, इम्प्रेस करती हैं। फिर वो आगे बताता है कि पहली बात तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं सर्बियन नागरिक नहीं हूँ, मैं एक स्विस मर्सिनरी हूँ। मर्सिनरी यानी कि आप डिक्शनरी देखेंगे तो मीनिंग भाड़े का सैनिक, बेसिकली प्रोफेशनल सोल्जर ऑन हायर, यानी कि वो है नहीं सर्बिया का, लेकिन वो सर्बिया की तरफ से लड़ रहा है क्योंकि वो एक मर्सिनरी है। आगे वो बताता है, अपने व्यूज को शेयर करता है कि युद्ध चल रहा है परंतु युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है। 10 में से 9 सैनिकों को ये भी नहीं पता होता कि वो लड़ किस वजह से रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से, क्योंकि वो सैनिक हैं तो उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं और वो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में जंग करने चले आते हैं। इन बातों को सुनकर वो काफ़ी प्रभावित होती है। तभी आगे वो कहता है कि जो आज जीत हासिल हुई है बुल्गारियन कैवलरी को, वो भी तुक्के से हुई है, यानी कि आज आप लोगों का यानी बुल्गारियन आर्मी का लक जो था वो बहुत अच्छा था और हमारा अच्छा नहीं था, इस वजह से जीत हासिल हुई है। इस बात को सुनकर वो थोड़ी चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि ठीक है अब मैंने तुम्हारी मदद कर दी, तुम्हारी जान बचा ली, अब तुम यहाँ से जाओ। तो वो सरेंडर कर देता है कि मेरी अब ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं जा पाऊँ, मैं तो बहुत ही थका हुआ हूँ, अब ये असमंजस की स्थिति में क्या करे। तो अपनी माँ से हेल्प मांगने के लिए नीचे जाती है। जब तक अपनी माँ को ऊपर बुलाकर लाए, जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि वो थक के सो चुका होता है। इस बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट और होता है कि ये चॉकलेट क्रीम खा रही होती है, तो चॉकलेट क्रीम उसे ऑफर करती है खाने के लिए, तो उसे वो झट से चट कर जाता है।
तो जब ये अपनी माँ को लेकर वापस पहुँचती है तो इन्होंने ऐसा प्लान किया होता है, ऐसा सोचते हैं कि समर एक कोट लेते हैं, ये किसका कोट है, वो मेजर पेटकॉफ का, कि उसको दे देंगे उसको, तो उसमें वो छुप कर यहाँ से निकल जाएगा। ऊपर पहुँचते हैं तो ये सर्बियन सैनिक जो है वो जो स्विस मर्सिनरी है वो सो चुका होता है, ये उसे उठाते नहीं है, और जब वो उठता है तो उसे वो वहाँ से विदा कर देते हैं। तो पहला एक्ट जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। सेकेंड एक्ट शुरू होता है 4 महीने बाद मेजर पेटकॉफ की, यानी कि इनके घर के गार्डन में, जहाँ पे लूका बात कर रही किसी के साथ, जो अब जो हमारा अगला कैरेक्टर जो इस प्ले में आता है वो है निकोला। निकोला एक मेल सर्वेंट है जो लूका का फियांसे भी है। तो निकोला उसको समझाते हुए कहता है कि हमें मास्टर्स की इज्जत करनी चाहिए और मास्टर्स का कहना मानना चाहिए। लूका एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट है और निकोला जो है वो एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट है और लूका से बहुत प्यार करता है। लूका इससे प्यार भी नहीं करती और ना ही इसकी इज्जत भी करती है। तो ये बोलती है उससे कि तुम सर्वेंट हो और तुम्हारी मेंटालिटी भी सर्वेंट जैसी है और तुम सर्वेंट जैसी ही जिंदगी जियोगे, लेकिन मैं अपर क्लास में जाकर एक बेटर लाइफ जीऊँगी। ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी मेजर पेटकॉफ घर आते हैं और आके अनाउंस करते हैं कि पीस ट्रीटी हो चुकी है, यानी कि युद्ध जो है वो थम गया है। ये बात जैसे ही आते हैं मेजर पेटकॉफ तो जो इसकी माँ है कैथरीन वो उनका काफ़ी स्वागत करती है, परंतु साथ ही उसका विचार ये भी होता है कि यहाँ पर युद्ध में विराम नहीं होना चाहिए था, जबकि बुल्गेरिया को सर्बिया पर कब्जा कर लेना चाहिए था। बैठ के नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं तभी सर्जियस भी आ जाता है, रैना का होने वाला हस्बैंड, उसका फैन से। वो आके एक कहानी सुनाता है कि युद्ध में एक ऐसी भी कहानी बहुत प्रचलित हुई है अभी कि एक सर्बियन सैनिक यहाँ पर घुसा आया था, उसे एक बुल्गेरियन लड़की ने मदद की, वो एक घर में घुस गया, उसकी एक बुल्गेरियन लड़की ने मदद की और वो सकुशल वापस चला गया। इस बात से वो बहुत अपसेट होता है। तो जैसे ही बोलता है तो रैना और उसकी माँ कैथरीन एक दूसरे की तरफ देखती हैं, बोलती कुछ नहीं है लेकिन सोचती हैं कि हाँ ये हमारी कहानी हमको ही सुना रहा है। तो ऐसी ये बातें कर रहे होते हैं और जनरल बातें होती हैं। ये बताती हैं मेजर पेटकॉफ को कि हमने लाइब्रेरी में जो है डोरबेल लगवा दी है। अब सर्जियस और रहना अकेले होते हैं तो क्योंकि ये उसकी मतलब उसका फैंसे है तो बातें करते हैं, तो ये प्यार के बारे में बातें करते हैं, लव के बारे में बातें करते हैं कि उन बातों में प्यार के अलावा सब कुछ होता है परंतु प्यार नहीं होता। सर्जियस कहता है कि हमारा लव जो है वो बहुत हाई है, हम हायर लेवल का लव करते हैं। ये दोनों फिर प्लान बनाते हैं, ये प्लान बनाती है कि इसके साथ घूमने जाने के लिए, सैर पर जाने के लिए, तो अपनी हैट लेने ये उस जगह से जाती है। जैसी ही वहाँ से जाती है तभी वहाँ पे लूका आती है और जैसी लूका आती है तो सर्जियस उसे बाहों में समेट लेता है। वो भी रेजिस्ट नहीं करती, उल्टा उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो सर्जियस कहता है कि तुम्हें पता है कि हाई लव कितना बोरिंग होता है और मैं रैना की जो ये बातें करती है, उदारवादी बातें करती है, इनको सुनकर मुझे हंसी आती है, मैं कितना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ इसकी बातों को सुनकर। तो लूका का दिमाग क्योंकि बहुत तेज चलता है, वो मौके ढूंढती रहती है। तो लूका कहती है कि मुझे हाई लव के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या हाई लव में या जो लोग हाई लव करते हैं वो प्यार किसी और से करना प्रिटेंड करते हैं और फ्लर्ट किसी और के साथ करते हैं। तो इस बात को सुनकर सर्जियस बोलता है कि मतलब रैना का किसी से क्या लेना देना है, मतलब रैना भी किसी से मिलती है क्या, या रैना का किसी से कोई अफेयर है क्या। तो ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करती है। तो वो नाम पूछता है इससे, नाम पूछता है, अब ये नाम नहीं बताती क्योंकि नाम बताती तो बताती कैसे, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं। तो जैसे ही ये उठने की कोशिश, जाने की कोशिश करती है तो सर्जियस इसकी कलाई पकड़ लेता है और इस छीने रफ्टी में, मतलब इस कलाई पकड़ने के दौरान उसकी कलाई में खरोंच आ जाती है। तो लूका उससे कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ तो इस कलाई पर किस कीजिए, तभी ये माफ़ी मानी जाएगी। इतने में रैना आ जाती है, रैना थोड़ा बहुत देख लेती है, उसको समझ में आता है, परंतु रैना इस चीज़ को इग्नोर करती है, ओवरलुक करती है, पर कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट करती थी वो सर्जियस की, वो उसकी नज़रों में कम हो जाती है। तो सर्जियस तुरंत मना कर देता है किस करने के लिए, बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। ये बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं तभी अनाउंसमेंट होता है कि कोई स्विस ऑफिसर आया है और वो इस घर की मालकिन से मिलना चाहता है, और उस क्यों मिलना चाहता है वो कि कोर्ट लौटाना चाहता है उनका। तो ऐसा सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है रैना की भी और रैना की माँ कैथरीन की भी। कैथरीन की माँ तो इतनी घबरा जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाके छुप जाऊँ कि मुझे उसका सामना ना करना पड़े। ये हॉलवे में निकल के आती है और हॉलवे में जैसी निकल के आती है तो सामने जैसी उसे देखती है तो पहचान जाती है। अब वो बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है, उसने शेव बनाई हुई है, नहाया धोया हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए, एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है वो। तो देखते ही पहचान जाती है कि ये तो उसका चॉकलेट क्रीम सोल्जर है जो कि रैना ने उसको नाम दिया था।
इतने में ही मेजर पेटकॉफ आ जाते हैं तो पूछते हैं कि चॉकलेट, जैसे ये बताती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तो बोलते हैं चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है? तो ये बात को घुमाने के लिए बोलती है कि मैंने एक केक बनाया था जो कि चॉकलेट क्रीम का था और सोल्जर जैसा उसका शेप था, लेकिन वो निकोला ने खराब कर दिया। तो बात उस समय तो आई गई हो जाती है। जैसे ही अब मेजर पेटकॉफ देखते हैं उसे, तो उसे देखते ही पहचान जाते हैं, बताते हैं कि ये तो कैप्टन ब्लंचली हैं जिन्होंने इस युद्ध विराम में शांति वार्ता में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उन्हें वो वेलकम करते हैं, लंच के लिए इनवाइट करते हैं, बोलते हैं कि जब तक आप बुल्गेरिया में हैं तब तक आप हमारे साथ रहें और हमारी मदद करें बुल्गेरियन ट्रुप्स को रियलाइन करने में। अब यहाँ पर इन्हें मौका मिलता है बात करने का कैप्टन ब्लंचली को और रैना को। ये बातें करते हैं तो ये उसे बताती है कि पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना झूठ बोलना पड़ा, मतलब मैं कितना गिल्ट महसूस कर रही हूँ। और उसे वो याद दिलाती है कि पता है तुम्हारी मैंने जान बचाई थी। अब ये देख पाता है कि जिस तरह की बातें कर रही है, लेकिन ये मन से बहुत ही साफ और अच्छी लड़की है। इसके मन में एक असमंजस और होता है रैना के मन में कि जब इसने कोर्ट दिया था फादर का, फादर तो कोर्ट ढूंढ रहे हैं लेकिन कोर्ट उनको मिल नहीं रहा, तो कोर्ट दिया था उस कोर्ट में उसने एक इसके लिए गिफ्ट भी रख दिया था। गिफ्ट क्या था? एक तस्वीर थी जिसके पीछे लिखा हुआ था अ गिफ्ट फॉर माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए। क्या गिफ्ट था? इसकी तस्वीर थी और तस्वीर के पीछे ऐसा लिखा हुआ था। तो सोचती है कि पता नहीं उसे मिला होगा नहीं मिला होगा, पता नहीं मुझसे कहीं घृणा तो नहीं करता हुआ। अब ये जिस तरह की बातें कर रही है, लेकिन वो देख पा रहा है कि एक बहुत अच्छी लड़की है और वो भी इससे बहुत इम्प्रेस्ड है, परंतु अभी तक वो इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है या उसने अभी तक इतना दूर तक नहीं सोचा। पर कहीं ना कहीं इसको कैप्टन ब्लंचली जो है वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। इतनी बात हो ही रही होती है तो ये उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी क्या करें, मदद करें। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा जो सेकेंड वो है एक्ट वो भी खत्म होता है। तीसरा एक्ट शुरू होता है लाइब्रेरी में, जहां पर कैप्टन ब्लंचली बैठे हैं और काम कर रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, और देख रहे हैं उनको कौन, सर्जियस और मेजर पेटकॉफ, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं आगे कि कैसे ट्रुप्स को रियलाइन करना है। इतनी बात वहां पर चली रही है तो ये काम उनको बताते जा रहे हैं, चीजें असाइन होती जा रही हैं और ये काफी इंप्रेस्ड है उनकी एफिशिएंसी से। इतने में दोबारा एक बार मौका मिलता है किसको, सर्जियस को, लूका से मिलने का। और लूका ने तब तक अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और लूका अब एक ऐसी ड्रेस पहनाई है जिसमें कि उसकी कलाई पे लगी हुई चोट जो है वो आराम से दिखाई दे। तो लूका से सर्जियस जब मिलता है दोबारा तो वो ऑफर करता है कि ठीक है क्या मैं आप तुम्हारी कलाई पर किस करके माफी मांग लूं। इस बार लूका मना कर देती है। लूका कहती है कि युद्ध में कोई भी बहादुर हो सकता है, यानी हर सैनिक जो युद्ध लड़ने जाता है वो तो बहादुर होता ही है, परंतु क्या तुम इतने ब्रेव हो? पर क्या कोई सैनिक इतना बहादुर होता है कि वो अपनी सामाजिक लाइफ में यानी सोशल लाइफ में भी ब्रेवरी का परिचय दे पाए? तो इस बात को समझने की कोशिश करता है सर्जियस। तो उसका कहना ये होता है कि क्या तुम किसी से इतना प्यार कर सकते हो या मुझसे इतना प्यार करते हो कि एक लोअर क्लास की लड़की से तुम शादी कर लो? तो इस बात को सुन के सर्जियस कहता है, सर्जियस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट खूबसूरती होती है। सर्जियस कहता है कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ, परंतु वो एक्सक्यूज देता है कि मैं तो ऑलरेडी इंगेज हूँ। किसके साथ? मैं इंगेज हूँ रैना के साथ। अब मैं रैना के साथ इंगेज हूँ, अदरवाइज वैसे तो मैं कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर बहुत हर्ट हो जाती है और लूका बताती है कि तुम इंगेज तो हो रैना के साथ, परंतु रैना का फर्स्ट लव तो ब्लंचली है। और वो उसे सारा किस्सा बता देती है कि क्या क्या हुआ था और यही वो घर है, रैना ही वो लड़की है जिसने उस सोल्जर की मदद की थी। इतना सुन के ये आग बबूला हो जाता है और चैलेंज करता है ड्यूएल के लिए किसको, कैप्टन ब्लंचली को। कैप्टन ब्लंचली को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, वहाँ पे होल्ला मचने लगता है और बताता है। तो ब्लंचली ये सफाई देता है कि रैना ने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैंने उसके ऊपर बंदूक तानी हुई थी। ये होल्ला सुन के वहाँ पे रैना भी जाती है और रैना ये देखते ही भड़क जाती है। रैना कहती है कि तुम हमारी इंगेजमेंट मुझसे हुई हुई है और तुम फ्लर्ट कर रहे हो लूका के साथ, मैंने सब देख लिया जो हुआ था, और उस पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर और तुम हमारी जासूसी भी कर रहे हो। इस बात से वो बहुत अपसेट हो जाती है।
अब ये जो माहौल खराब होने लगा है, तो ये ब्लंचली क्योंकि बहुत समझदार है, तो ब्लंचली देखता है कि इसमें लुका का होना बहुत जरूरी है, तो वो बोलता है कि लुका भी यहाँ हो तो अच्छा हो, तो लुका को बुलाया जाए। तो सर्जियस लुका को बुलाने जाता है, सर्जियस लुका को बुलाने जाता है, सर्जियस बुलाने के लिए जाता ही है, तो देखता है कि वो पीछे से खड़ी होकर दीवार के ईव्स ड्रॉपिंग कर रही थी, यानी इनकी बातें सुन रही थी। तो जैसे ही वो उसे लेके आता है, वो इसके हाथ पर किस करता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हमने कहानी में, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे थे कहानी में, छोड़ दी कि जब ये बैठे होते हैं तो कैप्टन ब्लंचली के लिए एक टेलीग्राम भी आता है जिसमें उसके पिता के निधन की खबर होती है, और साथ में ये भी होता है कि विरासत में उसे बहुत कुछ दे गए हैं, यानी कि अब ब्लंचली एक अमीर आदमी बन चुका है। अब ये सफाई तो दे दी किसने, ब्लंचली ने। उसके बाद सर्जियस ने बोल दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ किससे, लुका से। अब ब्लंचली का मौका है, ब्लंचली बात करने आते हैं मेजर पेटकॉफ से कि मैं शादी करना चाहता हूँ किससे, रैना से। तो मेजर ब्लंचली पूछते हैं कि ठीक है, मतलब आदमी तो तुम अच्छे हो, ब्रेव हो, लेकिन तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, नहीं तुम्हारी सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या है। तो वो बताता है कि अब मेरी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो ये इनहेरिट करने के बाद मेरे फादर की प्रॉपर्टी वो काफ़ी अच्छा हो गया है, मेरे 6 होटल्स हैं और भी बहुत कुछ। वो बताता है कि मेरे पास इतना इतना ये सामान है, 200 घोड़े हैं, 10,400 चाकी छुरी तलवारें हैं, इतनी चादरें हैं, तो डिटेल बताता है। तो मेजर ब्लंचली मुस्कुराते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो कहानी बिल्कुल सही जा रही है, सब कुछ अपनी जगह बैठ चुका है। अब सर्जियस शादी करना चाहता है लुका से, लुका शादी करना चाहती है सर्जियस से, रैना शादी करना चाहती है ब्लंचली से, और ब्लंचली शादी करना चाहता है रैना से। लेकिन ये सारी कहानी बनेगी कब, जब लुका फ्री होगी, क्योंकि लुका की तो एंगेजमेंट हुई है किससे, निकोला से। इसका सॉल्यूशन ब्लंचली निकालता है, ब्लंचली क्योंकि अब ब्लंचली के पास खुद के होटल्स हैं स्विट्जरलैंड में, तो ब्लंचली निकोला को ऑफर करता है कि अगर तुम लुका को फ्री कर देते हो तो मैं तुम्हें, वैसे भी लेकिन ज़्यादा अच्छा हुआ तब तुम्हें वहाँ पर एक अच्छी मैनेजर की नौकरी दूंगा। और फाइनली निकोला भी तुरंत अपनी सहमति दे देता है। इसके बाद क्योंकि वो टेलीग्राम आया होता है, तो सारा टेक ओवर लेने के लिए, बहुत सारी कार्रवाई करने के लिए ब्लंचली को वापस जाना होता है। तो ब्लंचली प्रॉमिस करता है रैना को कि वो 15 दिन बाद आएगा और रैना से शादी करेगा। और इसी के साथ ही हमारा जो ये प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। आपको यदि कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, आपके हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, आगे भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।